मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज कैबिनेट मंत्री पर आया बड़ा संकट, हो सकती है इन्हें जेल। दोस्त स्वागत है आपका एमपी लाइव न्यूज में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता पर आए संकट के विषय में, जिसमें कि उनकी सजा हो सकती है। तो क्या है पूरी जानकारी, हत्या के आरोप में उनके ऊपर मामला दर्ज था जो कि आरोप तय हो गया है, उन्हें हो सकती है जेल। तो क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दोस्तों बैतूल जिले में पारदियों के घर जलाने और हत्या किए जाने के मामले में पीएचई मंत्री सुखदेव सिंह पांसे के खिलाफ गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई तारीख 3 नवंबर को मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभियोजन के अनुसार 11 सितंबर 2007 को बैतूल जिले के एक गांव में आक्रोशित भीड़ ने पारदियों के घर जलाकर कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांसे सहित अन्य लोगों के खिलाफ चलेगा हत्या, बालवा और छेड़छाड़ हत्या का मामला दर्ज कर बैतूल जिला अदालत में चालान पेश किया था। बैतूल जिला अदालत से मामले के आरोपी बरी हो गए थे। इस पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में बैतूल जिला अदालत के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर कर बैतूल जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार की रिवीजन याचिका मंजूर कर आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से एक मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए थे। सरकार द्वारा सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत गठित किए जाने पर यह मामला बैतूल जिला अदालत से भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित